दुनिया भर में हर साल लाखों शिशु जन्म ही नहीं ले पाते। इन शिशुओं का एक हिस्सा पोषण की कमी और कई बीमारियों के चलते पैदा होने से पहले ही दम तोड़ चुका होता है, तो एक बड़े हिस्से को कोख में ही मार दिया जाता है। एक तरफ जहां महिलाओं की सही देखभाल नहीं होने से शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है, तो दूसरी तरफ अजन्मे शिशु भ्रूण हत्याओं की भेंट चढ़ जाते हैं। इन अजन्मे शिशुओं के प्रति ये क्रूर हिंसा समाज के सभ्य और संपन्न तबकों में ज्यादा फैली हुई है। इसके पीछे समाज में व्याप्त पितृसत्ता और दहेज प्रथा के साथ साथ धार्मिक मान्यताएं भी शामिल हैं। अजन्मे शिशुओं के प्रति हो रही इस अमानवीय क्रूर हिंसा के खिलाफ और हर जिंदगी को सम्मान देने के लिए 1993 में पहली बार एल सल्वाडोर राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से जन्म लेने का अधिकार के तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद कई मुल्कों ने इसे मनाना शुरू कर दिया। नाइट ऑफ कोलंबस नामक संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे शिशु दिवस के तौर पर मनाने के लिए अभियान चलाया। हमारे देश की एक अजीब विडंबना है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी समाज में भ्रूण हत्या की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कन्या भ्रूण हत्या से शिशु लिंग अनुपात में भारी अंतर पैदा होने से समाज के भीतर कई खतरे पैदा हो गए हैं। इससे सामाजिक अपराध बढ़ने के साथ ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी बढ़ोतरी हुई है। समाज में महिलाओं की हालत सीधे और छिपे तौर पर कन्याओं के स्वास्थ्य पर असर डालती है। शिशु मृत्यु दर के वजह से भी लिंगानुपात प्रभावित हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण हमारी सामाजिक परंपरा और मान्यताएं भी हैं, जो मूल रूप से महिलाओं के खिलाफ है। समाज में बेटियों को पराया धन जबकि बेटों को वंश परंपरा का पोषक माना जाता है। आज भी सामाजिक मान्यताओं में कोई खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हालिया अध्ययन के मुताबिक देश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में औसतन महिलाओं की संख्या केवल 940 है। पिछड़े राज्यों की तुलना में संपन्न राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। औसत लिंगानुपात के हिसाब से हर साल तकरीबन 6 लाख लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती। भ्रूण हत्या के पीछे अवांछनीय संतान, बलात्कार, सामाजिक कलंक का डर, धर्म और जाति व्यवस्था के चलते प्रेम विवाह को स्वीकृति न मिलने जैसे कई अहम वजह हैं। समाज में लिंग भेद की वजह से किशोरावस्था में ही बालिकाओं के विवाह के अलावा उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी अहम जरूरतों में भेदभाव देखा जाता है। गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व या बाद, लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। जाहिर है हमारे देश में बेटे की चाहत के चलते हर साल लाखों कन्याओं को इस दुनिया में आने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और ये सिलसिला थमता नजर नहीं आता। समाज में बेटियों की इतनी अवहेलना, इतना तिरस्कार चिंताजनक और अमानवीय है। सत्येंद्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।